हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे नेचर्स लवर्स चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपसे ये कृष्ण कमल फ्लावर को शेयर करना चाहती हूँ। ये देखिए, ये मेरा कृष्ण कमल का फ्लावर है। ये बहुत ही अच्छा स्मेल भी करता है, बहुत अच्छी महक होती है इसमें। और ये एक वाइन, ये एक वाइन है, आप देख सकते हैं। ये इसकी लताएं जो हैं ऊपर की ओर जा रही हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा पेड़ बहुत ही बड़ा था, बहुत ही सारी लताएं थी इसमें, लेकिन बीच में जब आंधी तूफान आया तो इसका डंडा गिर गया और इसमें से इसकी जो वाइन है वो टूट गई थी। लेकिन अब ये फिर से रिकवर कर गया है और इसकी आप देख सकते हैं इसमें से कितनी अच्छी वाइन सब चारों ओर से निकल के फैल गई है। इसको मैंने डंडे के सहारे से इसको चारों ओर घुमा दिया है और घुमाने के बाद अब मैं इसको ऊपर की ओर ऐसे ले जा रही हूँ। ये डंडे के सहारे से, ये रस्सी के सहारे से ऊपर जा रहे हैं। ये मेरा फ्लावर पर्पल कलर का है, इसमें वाइट भी आता है, पिंक भी आता है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे बर्ड्स आए हुए हैं, छोटे छोटे बहुत सारे बर्ड्स आए हुए हैं। ये बरसात में खिलने वाला फ्लावर है। गर्मी से बरसात में आप इसमें से अच्छे फ्लावर ले सकते हैं, लेकिन गर्मी में मैं इसका फ्लावर नहीं एंजॉय कर पाई थी क्योंकि क्योंकि जो है आंधी तूफान ने मेरा वाइन तोड़ दिया था और मैं इसका फ्लावर नहीं एंजॉय कर पाई थी। पर ये फिर से रिकवर कर गया है बरसात के मौसम में। आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा फ्लावर खिला हुआ है, कितना कितना बड़ा और कितना हेल्दी फ्लावर है। ये देखिए, इसे कृष्ण कमल कहते हैं। आप नीचे से इसे देखिए, कितना प्यारा फ्लावर है ये। नीचे से इसमें बहुत अच्छी स्मेल होती है। इसे बहुत लोग द्रौपदी पांडव भी कहते हैं, जो इसमें ये 5, 1, 2, 3, 4, 5 ये निकले हुए हैं, ये पांडव हैं। ये जो नीचे जो निकले हुए हैं ये 5 पांडव हैं और ये जो ऊपर है ये द्रौपदी है। इसे द्रौपदी पांडव भी कहते हैं इस फ्लावर को बहुत लोग, और बहुत लोग इसे कृष्ण कमल कहते हैं। ये बहुत ही इजी टू ग्रो है, इसमें ज़्यादा आपको मेंटेनेंस नहीं चाहिए और इसका फ्लावर बहुत ही अच्छा स्मेल करता है। फ्रेंड्स, मैं आपसे बस यह कृष्ण कमल का फ्लावर आपसे शेयर करना चाहती थी। अब ये वाइन ऊपर जा रही है, ये मेरी। तो फ्रेंड्स, इस फ्लावर के साथ साथ मैं आपको अपना थोड़ा गार्डन का ओवरव्यू भी दिखाते हुए चलती हूँ। कुछ बर्ड्स आए हुए हैं इसमें, गंडा में फ्लावर बर्ड्स हैं। ये अलमांडा जैसा ही है, ये मेरा एक्सोरा पिंक, और इधर मेरा एक रेड एक्सोरा भी है। और यहाँ देख सकते हैं आप मेरी क्यारी में कितने रंग बिरंगे फ्लावर्स सब रेड निकले हुए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। फ्लावर्स को देख के वैसे ही दिल खुश हो जाता है सब। इधर कुछ मैंने सब्जियों के पेड़ लगा रखे हैं, इसमें भी जब फ्रूट्स आएंगे तो मैं आपको आपसे शेयर करूंगी। इधर मेरा एक गॉम्फेना का पेड़ है। ये मेरा बालसम, इसमें फ्लावर्स नहीं आए हैं बट ये मेरा पेड़ अच्छे से ग्रो कर गया है। इधर मैंने कमल लगाया हुआ है, ये वर्बीना, इधर वाइट मुजेंडा। फ्रेंड्स, इस फ्लावर का नाम मुझे नहीं मालूम, बट अगर आपको मालूम हो तो मुझे बिल्कुल बताइएगा, शेयर करिएगा मुझसे इसका नाम। और इस तरीके से मेरा गार्डन व्यू,
मैंने इस सब बॉटल्स में, ये सब कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल्स में मैंने पेड़ लगा रखे हैं और बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है ये। और एक में तो मेरे इधर फ्लावर्स भी आया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसमें एक फ्लावर भी आया हुआ है ना, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं इसकी रंग बिरंगी पत्तियाँ। इधर मेरा एक रेन लिली, इसमें और भी फ्लावर्स खिले थे फ्रेंड्स, बट हमारे यहाँ मंदिर है तो हम थोड़े फूल तोड़ के भगवान को भी चढ़ा देते हैं। और ये देखिए ये एक ठंडी का प्लांट है, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, क्या कहते हैं इसे, सॉरी मुझे इस समय नाम नहीं याद आ रहा, बट ये फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट इसमें हो गई है, क्या कहते हैं इसे। इधर कुछ हैंगिंग बास्केट्स हैं और ये जेट प्लांट मैंने एक छोटी कटिंग लगाई थी और ये अच्छे से ग्रो कर गया है। देखिए रेनी सीजन में तो बस ये मेरा गार्डन का व्यू और इस वीडियो का एंड मैं फिर इसी कृष्ण कमल के फ्लावर के साथ करती हूँ। ओके फ्रेंड्स बाय, हैप्पी गार्डनिंग, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।